हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और ब्रीडिंग सीज़न जैसे कि आपको मालूम है स्टार्ट हो गया है, काफ़ी लोगों की ब्रीड भी आ गई है। और एक बार हमने आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाई थी अपने बजीज़ की, तो उसमें कुछ में एग्स थे, कुछ में चिक्स थे छोटे छोटे। तो आज हम फिर से आपको वही ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक कराने जा रहे हैं। काफ़ी मटकियों में बच्चों की आवाज़ आने लगी है और यहाँ पर बाहर जो है सारी मुर्गियाँ घूम रही हैं। अभी सुबह का टाइम है तो मैं 1-1.5 घंटा इनको खोल देता हूँ, और बिल्ली की वजह से मैं पूरे दिन नहीं खोलता, क्योंकि एक बार दो बच्चे, एक असील का बच्चा और एक देसी बच्चा बिल्ली मार चुकी है। तो इसलिए अब मैं जब तक यहाँ रहता हूँ तभी तक इनको खोलता हूँ, वरना मैं जब जाता हूँ तब तो बंद कर देता हूँ। तो चलिए आप चलते हैं आपको सेटअप के अंदर लेके, और क्या क्या चल रहा है, कितने चिक्स निकले हैं और कितने बड़े हो गए हैं, वो सब आपको दिखाते हैं। तो सुबह इनको सॉफ्ट फूड दिया था, जिसमें जौ, गेहूं और बाजरा, ये तीन चीज़ भिगो के मैं दे रहा हूँ। तो उससे ग्रोथ जो है बच्चों की अच्छी होती है। तो चलिए अब हम आपको इधर से ही स्टार्ट करते हैं। ये मच्छी तो दोस्तों खाली है और इसमें माशाल्लाह से चार बच्चे निकले हैं, और चारों की हेल्थ वगैरह काफ़ी ठीक दिख रही है। और उसके बाद इस तरफ वाली मच्छी माशाल्लाह एक बच्चा हैच हो गया है, और ये मच्छी दोस्तों खाली है, ये भी खाली है। इसमें माशाल्लाह से दो बच्चे हैं और शायद अंडे ख़राब हो गए, और ये मटकी में एक अंडा ख़राब पड़ा है। इसमें भी दोस्तों एक ही बच्चा है, और उसके बाद इस तरफ वाली मटकी खाली है। ये इसमें बच्चे निकल के या तो फाइट वगैरह हुई फीमेल की, या तो फिर उसने इनको सही से फीड नहीं कराया, जिसकी वजह से ये एक्सपायर कर गए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें फाइट ही हुई है फीमेल की और ये बच्चों को फीड नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से मर गए हैं। और बाकी इसमें जो है माशाल्लाह से तीन बच्चे दिख रहे हैं, और इनकी भी हेल्थ जो है वो मुझे ठीक समझ में आ रही है। उसके बाद ये मटकी दोस्तों खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, और इसमें दो अंडे दोस्तों आए हैं, और इस वाले में भी मुझे बच्चे दिख रहे हैं, और इसमें दोस्तों पांच बच्चे हैं। एक ये बच्चा थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, बाकी ये बच्चे काफ़ी बड़े हो रहे हैं, और इसमें काफ़ी कलर दिखने को मिल रहे हैं। स्पैंगल भी है और ये नॉर्मल दिख रहा है एक्वा टाइप का। और उसके बाद ऊपर वाली मक्खी में मुझे सही से नहीं दिखाई देगा, बट इसमें भी बच्चे निकले हुए हैं, और इस वाली मटकी में मुझे नहीं दिख रहा है, आप बताइएगा क्या है इसमें। और इस मटकी में भी दोस्तों माशाल्लाह से बच्चे हैं, चार बच्चे इसमें दिखाई दे रहे हैं, और चारों ही बहुत ही अच्छे कलर के हैं। उसके बाद ये वाली मटकी दोस्तों खाली है, ये वाली भी खाली है, और इसमें जो है बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दो या तीन बच्चे जितने हों मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद ये मटकी में भी दोस्तों बच्चे हैं, दो या तीन बच्चे जितने हों, दो बच्चे हैं शायद इसमें। और फिर सबसे लास्ट में जो मटकी है इसमें, इसमें भी दोस्तों बच्चे हैं, एक मुझे दिख रहा है, बाकी दो दो बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और ये है सारे मेरे बजीज के कलर्स, जिसमें रेनबो है, ग्रेविंग है, पाइड है, और लुटिनो है, रेड आइज, काफ़ी सारे इसमें कलर हैं और काफ़ी अच्छे से कलर है इसमें। तो आज की ये ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं और भी ऐसे मज़ेदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।